जोर से बोलो 70% ड्रॉप। अभी अगर आप लोग मीशो ओपन कर देखेंगे तो वहां इंडियन प्राइस ड्रॉप मीशो में एक तो बड़ी बड़ी करके बनर आ रहे हैं। इसी महीने में 15 अगस्त है, इसीलिए 12 अगस्त को वहां इंडियन प्राइस ड्रॉप लगकर एक तो कैंपिंग चल रहा है। आज इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बनने वाला है। सिर्फ बनने वाला नहीं, इस टॉपिक का आपको एक तो मास्टर ट्रिक पता चलेगा कि आप उस 12 अगस्त के अंदर आपका बिजनेस पे भी, अगर आपके पास मान लीजिए पर डे 2-3 ऑर्डर आ रहा है तो 10 ऑर्डर आ जाएगा, अगर पर डे 10 ऑर्डर आते हैं तो 100 ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे एक बोनस ट्रिक बताएंगे आपको, उसके लिए वीडियो को एक एंड तक जरूर देखना होगा और पता चलेगा कि मोहा इंडियन प्राइस ड्रॉप एक्चुअल में सच में प्राइस ड्रॉप होने वाला है, होते है या इसका फैक्ट क्या है, इसका पीछे रीजन क्या है, 70% 100 का माल 30 में मिलेगा कैसे, वो उसके लिए तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना होगा, तभी आपको पूरा चीज पूरा प्रोसेस डिटेल में पता चलेगा। और आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करते जाना, रोजाना लेटेस्ट बड़ी बड़ी घर बैठे पैसा कमाने का तरीका देखने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते, ये जो 70% का काम है ये सच में बेसिकली इसके पीछे फैक्ट क्या है, कहाँ पे आपको 70% मिलेगा, कौन कौन प्रोडक्ट मिलेगा, सही में क्या 70% मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। देखो मीशो तो एक तो पोर्टल है, एक कंपनी है, एक एप्लीकेशन है जहीं पे हजारों लाखों सेलर उसका बैकएंड पर जुड़े हुए हैं। अब बोल रहे हैं ऐसा तरह कैंपेन एक तो रन कर रहा है मीशो बिजनेस पे कि 12 अगस्त को आपको 70% ऑफ मिलेगा क्योंकि इस महीने इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त को। अभी तक तो ठीक है कि 100 का प्रोडक्ट 100 रुपीज का प्रोडक्ट आपको 30 रुपीज में मिलने वाला है, यही तो इसका मतलब है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी राज छुपे हुए हैं। सेलर क्या करते, कोई जो सेलर मीशो में लिस्टेड है वो सेलर एक तो मान लो कि 100 रुपीज का एमआरपी कोई प्रोडक्ट है उसका सही में एमआरपी होते हैं 30 रुपीज 40 रुपीज, ऐसे तरह उसी एमआरपी को बढ़ाकर 100 रुपीज किया जाता है और वहां पर 70% ऑफ आपको दिखाता है प्रोडक्ट को प्राइस, ऐसा कुछ इंप्लीमेंट प्रोडक्ट होता है। अब मान लो कि कोई घड़ी में, कोई रिस्ट वॉच में आप देखेंगे तो जाकर तो वो प्रोडक्ट आप गूगल पर जाकर सही में पता चल जाएगा इसका प्राइस क्या है, वैसे प्रोडक्ट पर नहीं होते, कोई यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं जो बेसिकली होते हैं, कोई यूनिक लेटेस्ट लॉन्च प्रोडक्ट होते हैं क्योंकि उसका प्राइस पहले किसी कस्टमर को पता नहीं, और जो कस्टमर को प्राइस पता नहीं चाहे वो 70% दे 80% दे 90% दे कोई भी, मतलब आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप सोचेंगे कि सच में उसका प्राइस ऐसे आ रहा है। ये गया एक सेलर की कमाल 70% ऑफ 12 अगस्त को सेल करने का तरीका। अब मीशो एप्लीकेशन जैसे अपना एडवर्टाइजमेंट रनिंग कर रहे हैं कि जोर से बोलो 70% ऑफ ग्रेट इंडियन सेल, इस फायदे को लेकर आप तो बड़ा बड़ा करके दर्शक कर पब्लिक बनकर इस ऑफर को देख रहे और मन मन में आपका लड्डू फूट रहे भाई वो दिन मेरे को मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन आप अपना रीसेलिंग बिजनेस बोलो ऑनलाइन बिजनेस कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करते, आपका बिजनेस कहीं ना कहीं से डाउन जा रहा है, मीशो का बिजनेस कहीं ना कहीं से आप जा रहे हैं। वो तो कमा लेगा क्योंकि उसका कैंपिंग चल रहा है अपना 70% ऑफ देने के लिए कस्टमर को अपने साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आप क्या कुछ ये चीज कर रहे हैं? हमेशा कुछ बड़ी बड़ी जो कंपनी है उसका पीछे को छोड़ना नहीं चाहिए, वो जैसे जैसे चीज़ करते हैं आपका बिजनेस में वैसे वैसे चाहिए, मतलब वैसे वैसे चीज़ करना है भले आपका बिजनेस जितने भी छोटा होना क्यों। जैसे मान लो कि वहाँ पर 70% ऑफ चल रहे तब आप अपना बिजनेस पे क्यों नहीं रन कर रहे कि महा फेस्टिवल सेल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेल, 12 तारीख को अगर आप लोग बाय करेंगे तो आपको भी 70% मिलेगा। आप 12 क्यों, आप अभी से बाय कर लो, आप मेरे को 70% ऑफ आपको दे दूंगा। आपका बिजनेस पे चाहे छोटा हो, मान लीजिए कि आपका 10 कस्टमर बेस है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में वैसे तरह मीशो का बैनर कॉपी करके वो बैनर मत डालो, तब तो पता चल जाएगा मीशो का, सेम आपकी बिजनेस का बैनर बनाओ उसमें आपका लोगो लगाओ, आपका लोगो लगाने के बाद वो प्रोडक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ो कि सिंपल इसी प्रोडक्ट अगर बाय करेंगे तो ये प्रोडक्ट दूसरे टाइम दूसरा प्राइस मिलता है, अभी के टाइम अभी प्राइस इतना कम प्राइस मिलेगा। इस मौके को यूज करके देखो दिमाग पे मेरे को और ज्यादा आइडिया मेरे को घूर पक खा रही, इस मौका को यूज करके जैसे कि बड़ी बड़ी साइट है फ्लिपकार्ट अमेज़न मीशो ये सब तो बड़ी बड़ी साइट है, वहां से आप प्रोडक्ट बाय करके अपना कस्टमर को उतना कम प्राइस में दे सकते क्योंकि वहां पर अभी क्योंकि वहां पर भी अभी फेस्टिवल सेल चल रही है, वहां पर भी प्राइस कम है, वो प्राइस को आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ। देखो ये चीज ब्रांडेड प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट में अभी सच में कुछ कम प्राइस चलते हैं तो इस कम प्राइस का फायदा उठाकर आप कुछ उसमें ब्रांड प्रोडक्ट आप कस्टमर को पहुंचाएंगे, जब कि कस्टमर को पता चले कि उसका ये प्राइस है इतना कम है तब कस्टमर डेफिनेटली आपके से बाय कर लेगा। तो आप अपना बिजनेस पे अगर ऐसे तरह कैंपिंग चलाएंगे अभी के लिए इस जवान मतलब इस इंडिपेंडेंस डे में जैसे कि सभी कंपनी में कर रहे हैं, देखो अमेज़न भी कर रहे हैं अपना ग्रेट इंडियन सेल चल रहे हैं अमेज़न पे, अब दूसरा ये फ्लिपकार्ट भी कर रहे हैं, दूसरा मीशो भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन कर रहे हैं, तब आपका जितने भी छोटा बिजनेस हो आप क्यों नहीं करेंगे?
आप भी ये ऑफर तरह कैंपेन रन करो, अपना बिजनेस पे एडवर्टाइजमेंट लगाओ, जो भी लगाना है करो, आपका भी ऑर्डर डेफिनेटली आने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये इंडिपेंडेंस डे हमेशा चमन्नूलाल ममन्नूलाल के जैसा बिजनेस नहीं करना है, हमेशा दिमाग को कुछ अलग से सोचना है, कुछ अलग तरीके से सोचना है। ये मैंने जैसे बैनर देखा तब तो मैंने डिसीजन ले लिया कि इसका असली खासियत आप लोगों को बताना चाहिए। दूसरे तरह ये भी बताना चाहिए, जैसे कि ये बड़ी बड़ी कंपनी कर रहे हैं, वैसे आप ये छोटी छोटी कंपनी के ऊपर भी इंप्लीमेंट करो, आपका बिजनेस पे इंप्लीमेंट करो, डेफिनेटली आपका सेल आएगा। जब सेल आएगा तब अपने मुनाफा कमाएंगे घर बैठे, चाहे वो रीसेलिंग बिजनेस करो, चाहे वो ई कॉमर्स करो, चाहे ऑनलाइन पे सेलिंग रिलेटेड कुछ बिजनेस करो। मेरा इस वीडियो के अंदर आप आप लोगों को यही बताना था कि जैसे कि ये 70% ऑफ देकर जोर से बोलो बोल रहे हैं कि 70% ऑफ, वैसे आप भी बोलो कि धीरे से बोलो 70% ऑफ, अपना बिजनेस पे लगाओ, डेफिनेटली ऑर्डर आने वाला है। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे में ऑनलाइन पे बहुत कुछ प्रोडक्ट सेल होते हैं, स्पेशली वो प्रोडक्ट को टारगेट भी कर सकते हैं जो इंडिपेंडेंस डे में सेल ज्यादा होते हैं, जैसे कि तिरंगा होते हैं, जैसे कि हाथ में बनने का जो तिरंगा का कलर है वो होते हैं, टी शर्ट होते हैं, ये बहुत सी ज्यादा कपल टी शर्ट होते हैं जहां पर तिरंगा का फोटोज दिया रहता है। तो ये अगर सभी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपका बिजनेस पे ऑर्डर आने लगेंगे। होलसेलर से जुड़ो, कम प्राइस में बाय करो, उसका एमआरपी बढ़ाओ, एमआरपी बढ़ाने के बाद परसेंटेज करो कि कितना परसेंट आप कमाएंगे, उसी परसेंट पे जो आप प्रॉफिट रखकर मुनाफा कमाओ, प्रोडक्ट को सेल करो भाई। इसी मौके के मतलब इसी चीज के अंदर ही पूरा काम होते हैं, जो एमआरपी बढ़ा देते और परसेंटेज कर देते उसके अंदर बीच में कितना परसेंट करो तो इतना प्रॉफिट रहेगा, भले उसका 10% प्रॉफिट रहेंगे, एमआरपी बढ़ाएंगे तो उसका 70% तो दूर की बात है, 80% भी छोड़कर माल बेच रहे हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आजकल मार्केट में। यही सिर्फ तरीका है, वे है आपका बिजनेस पे आप भी कर सकते हैं बहुत ज्यादा ऑर्डर गेन करने के लिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा, तरीका को अच्छा लगा, लाइक कर देना, कुछ भी सवाल कुछ भी ओपिनियन कमेंट पर जरूर बताए, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दे जाना, रोजाना लेटेस्ट बड़ी बड़ी घर बैठे कमाने का तरीका देखने के लिए। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, हर बार के जैसा वापस अगर वीडियो देखने के लिए और मेरे को इतना ज्यादा प्रेम पूर्ण भक्ति देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।